संगम नगरी प्रयागराज में एक मामला सामने आया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर पति ने पत्नी को चापड़ से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। पत्नी गंभीर अवस्था में प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती है। इस पूरे प्रकरण में जहां एक तरफ घायल महिला सोनी की बहन और डॉक्टर ये बता रहे हैं कि महिला को उसके पति ने चापड़ से मारा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ये बताने में लगी है कि महिला के ऊपर डंडे से हमला किया गया है। मामला प्रयागराज के अतर सुइया थाना क्षेत्र के मीरापुर मोहल्ले का है, जहां पर पति ने किसी विवाद पर अपनी पत्नी के ऊपर चापड़ से हमला कर दिया और कई वार करके उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया। लोग उसको लेकर कालविन हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल भेज दिया गया। इस पूरे मामले पर डॉक्टर का कहना है कि महिला के ऊपर चापड़ से हमला किया गया है, जिसमें उसको गंभीर रूप से चोटें आई हैं, हड्डियां टूटी हैं और लिंगामेंट में भी कट गए हैं, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस पूरे प्रकरण में पुलिस ये बताने पर जोर दे रही है कि महिला पर उसके पति ने डंडे से हमला किया है। इस पूरी कहानी के पीछे पुलिस का क्या मंतव्य है, ये तो पुलिस ही बता सकती है, लेकिन डॉक्टर और उस घायल महिला की बहन को सुनकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला के ऊपर किसी धारदार हथियार से ही हमला किया गया है। अतरसुइया थाना अध्यक्ष इसके पहले भी एक मामले में सुर्खियों में रहे हैं और यह एक और मामला सामने आया है जिसमें उनकी कार्यशैली पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। इलाज करने वाले डॉक्टर ने महिला की जिस तरीके से इंजरी होने की बात बताई है और पुलिस जिस तरीके से अपना राग अलाप कर रही है, दोनों में काफी अंतर है और दूसरी तरफ पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। छोटी वाली बहन के साथ मेरे देवर उसको चापड़ मारे हैं, हमको टाइम फिक्स नहीं है। मेरी छोटी वाली बहन की लड़की हमको बुलाने आई तो हमको पता चला, हम दौड़ते गए तो वहाँ पुलिस मौजूद थी। एम्बुलेंस बुला के पुलिस हॉस्पिटल लाई है। उनका किस वजह से झगड़ा हुआ हमको नहीं मालूम। कैसे मारा है? चापड़ से मारा है। कई जगह हमला किया? चार पांच छह जगह मारा हुआ है, सर पे, पैर पे, हाथ पे तीन जगह मारा है, कंधे पे मारा है। अब क्या स्थिति है आपकी? अभी अंदर हॉस्पिटल में वो पट्टी वट्टी कर रहे हैं, टांका लग रहा है। अभी हालत स्थिर है? नहीं, अंदर पट कहाँ वो टाँका लग रहा है तो चिल्ला रही है। परिचय दे दीजिए आपका। मीरापुर ललिता देवी मंदिर। आपका नाम बता दीजिए। सुभद्रा देवी। आप कौन है महिला? बहन, बड़ी वाली। एक 24 साल की लड़की है जिसके हस्बैंड ने चापड़ से मारा है इसको और काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं इसको। सर में चोट आई है, सर में लसरेटेड वुंड है, हाथ में है और जिसमें कि नर्व इंजरी भी है, स्टेडियंट है, और जिसके फेस में भी है, एंकिल में है चोट जिसमें कि बोन कटा हुआ है, टेंडन कटे हुए हैं, लिगामेंट कटे हुए हैं। तो उसकी और पेशेंट शॉक में थी, काफ़ी ब्लीड कर गई थी, जिसको कि मैनेज किया गया है। इस समय बीपी उसका नॉर्मल आ गया है और पेशेंट स्टेबल है और इसको टेंडन रिपेयर के लिए और नर्व इंजरी के लिए और जो इसको सर में चोट है इसके लिए स्वरूप रानी के लिए रेफर किया जा रहा है। मैं डॉक्टर बीके सिंह, एक्टिंग SIC मोतीलाल नेहरू, जिला चिकित्सालय इलाहाबाद। मामला सामने आया जहां पति ने पत्नी पर हमला किया जानलेवा, उसे कॉलोनी में एडमिट कराया गया था, वहीं से अब SRN भेज दिया गया। क्या पूरा मामला है ये? आज थाना अतरसुइया में एक सूचना मिली कि ये सोनी एक महिला है, सोनी, उसके ऊपर डंडे चलाकर उन्होंने इसका खुद की पति ने वो डंडा मार दिया, डंडा चला दी, उसमें ये चोट हुआ था। उसमें ये मेडिकल के लिए अभी SRN भेजा गया है, ये आगे के लिए अभी कोई तहरीर आया नहीं। जैसे वो कुछ कंप्लेंट्स वगैरह है उसी आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। आज के लिए SRN भेजा गया तो मेडिकल के लिए भेजा गया था ऑलरेडी।